जूते बनाओ, जब खाल उतार सकते हैं तो जूते भी बना सकते हैं, और जो हमारे साथ गड़बड़ करेगा फिर जूता बनाने के बाद जूते के साथ दिमाग ठीक भी कर सकते हैं, ये भी काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अलग से एक डिपार्टमेंट हरियाणा में बनाना पड़ेगा कि हम लोग इस देश के अंदर मरे पशु उठाते हैं, खाल उतारते, गंदगी साफ करते हैं, और जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं, जो हमारे सफाई करने वाले भाई हैं, चाहे वो शहर में हैं, चाहे वो गांव में हैं, उनको लगाया गया है कच्चा, लगाया गया कच्चा, कच्ची नौकरी है, कोई पक्की नौकरी नहीं है, उनको ठेके में लगाया गया है। अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है, जो भी सफाई कर्मचारी है, चाहे वो गांव में होंगे चाहे वो शहर में होंगे, ठेकेदारी सिस्टम खत्म, सारे सिस्टम को परमानेंट किया जाएगा, जैसे यूपी में बहन जी ने किया, 1,10,000 सफाई कर्मचारी भर्ती किया है, अमेरिका में, कनाडा में सफाई कर्मचारी कार में बैठ के जाता है, लेकिन यूपी का सफाई कर्मचारी मोटरसाइकिल पे बैठ के जाता है। आज जाकर के पूछना, 30-30, 40-40 हजार रुपया हमारे सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह यूपी में है, अगर हरियाणा में रहा जाएगा, चाहे वो नगर पालिका है, चाहे नगर निगम है, चाहे गांव है, सफाई कर्मचारियों को पक्का भर्ती करने का काम किया जाएगा। जो हमारी आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, इनके डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट का दर्जा देके पूरा इनकी नौकरी को पक्का करने का काम सरकार करेगी। ये बात आपने गांव में जाकर के कहना है, जिनको सरकार ने नौकरी नहीं दी, चाहे वो एनआरएचएम के तहत जो हेल्थ डिपार्टमेंट में लोग काम करने वाले हैं, जेबीटी के लोग हैं, जिनको हटाया गया है, जिनको सरकार हटा रही है, उनको नौकरी लगाने का काम बहुजन समाज पार्टी साथियों कर सकती है। अगर गरीबों का राज आएगा तब जाकर के होगा, इसलिए देश की कट्टर साहब, हरियाणा की कट्टर साहब की सरकार फिर सरकार है, देश में मोदी साहब की सरकार फिर सरकार है। इस कट्टर साहब ने हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी आंदोलन चला, जाट समाज के हमारे भाई, उन्होंने कहा हमें रक्षण चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे जाट समाज के भाइयों को 1932 में कहा था, मेरे साथ आओ हम आपको रक्षण देंगे, मेरे साथ आओ। लेकिन आज भी जब रक्षण की बात आई, कोई देश में नहीं बोल पाया, ना हुड्डा साहब बोल पाए, ना कोई और नेता बोल पाया। अगर जाट समाज के रक्षण के लिए किसी ने कहा, माननीय बहन जी ने कहा कि शेड्यूल कास्ट का रक्षण है, ओबीसी का रक्षण है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन इनके लिए अलग से रक्षण का प्रबंध करना चाहिए। बहन जी ने कहा, पूरे हरियाणा प्रदेश में कहा कि किसी के साथ गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कल मैं छात्र में गया, जाट समाज के भाइयों ने हमें पगड़ी और देकर के सिक्कों में तोड़ करके सम्मानित करने का काम किया कि बहन जी हरियाणा में आएगी, अगर बहन जी हरियाणा में आएगी हम बहन जी का सम्मान करेंगे, बहन जी का स्वागत करेंगे। इसलिए साथियों, आज बहादुरगढ़ में हम लोग आए हैं, कल हमारे कार्यक्रम जींद में थे, रात मैंने जींद में बड़ी ज्वाइनिंग कराने का काम किया, और आने वाली 20 तारीख को हरियाणा प्रदेश में एक और बड़ी ज्वाइनिंग होगी। आपको 20 तारीख को शाम को टीवी चैनल पे देख लेना, आप टीवी चैनल पे देख लेना, ये जो बीजेपी वाले हैं इनके कई एमएलए हाथी पर बैठने के लिए तैयार हो रहे, बीजेपी वाले कई एमपी, बीजेपी के सिटिंग एमपी हाथी पर बैठने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम इसलिए आए हैं बहादुरगढ़ वाले कि आप उनसे पहले बैठ जाओ, हाथी हमारा है, आप पहले बैठ जाओ, हाथी हमारा है। बहुत सारे लोग हाथी के पीछे पड़े हैं कि हमें बैठाओ। ये हरियाणा प्रदेश में मान्यवर साहब काशीराम जी ने चौधरी देवीलाल को हाथी पर बैठाया था, हाथी पर, साहब काशीराम जी ने चौधरी बंसीलाल को भी हाथी पर बैठाया था, साहब काशीराम जी ने देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भी हाथी पर बैठाया था यूपी में, इस देश के अंदर वाजपेयी अडवाणी साहब को भी काशीराम साहब ने यूपी में हाथी पर बैठाया था। हम क्या कह रहे हैं, हरियाणा में हमारा हाथी तैयार खड़ा है, जिसने बैठना बैठे, सवारी तैयार खड़ी है, हाथी सबका साथी। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है भाई, हाथी पर कोई बैठे, हमारा हाथी तैयार खड़ा है।
राम साहब कहा करते थे कि हम 85% लोग हैं, एक तरफ 15% लोग हैं, 85 का वोट ज्यादा है, हमारा देश में वोट ज्यादा है। अगर हम 85% लोग अपना जोड़ मजबूत कर लेते हैं, हमें किसी दूसरे जोड़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा वोट ही 85 है, हमारा तो वोट ही 85 है। लेकिन माननीय बहन जी ने इस बात के लिए भी इशारा किया है कि अगर हम अपने आप को मजबूत करेंगे, अगर कहीं किसी प्रकार के जोड़ तोड़ की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए भी बहुजन समाज पार्टी तैयार है, उसके लिए भी तैयार है। हम आपको कह रहे हैं, इस बार हमने हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का काम करना है, सरकार बनाने का काम करना है। तो साथियों, सरकार बनाने के लिए हमें दिल से मेहनत करनी पड़ेगी, हमें लगना पड़ेगा, गांव गांव में जाना पड़ेगा, ये हम सबकी ड्यूटी है। हमें गांव गांव में जाकर के अपनी पार्टी की बात को मजबूत करना पड़ेगा। गांव गांव में हमारी पार्टी के बारे में एक प्रचार करते हैं, क्या प्रचार करते हैं, कहते शेड्यूल कास्ट की पार्टी है, ये शेड्यूल कास्ट की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। लेकिन बताना जाके गांव गांव में, हमारा पहले एमएलए जीत कर हरियाणा में आया नरेंद्रगढ़ से, सुरजीत कुमार धीमान जांगड़ा जीत कराया, पहला एमएलए हमारा जांगड़ा जीत कराया, सुरजीत कुमार धीमान नरेंद्रगढ़ से जांगड़ा जीत कराया, दूसरा एमएलए हमारा जगाधरी से डॉक्टर बिशनलाल सैनी जीत कराया, तीसरा एमएलए हमारा छतरौली में चौधरी अर्जुन सिंह गुज्जर जीत कराया, चौथा एमएलए हमारा हरियाणा में चौधरी अकरम खान जीत कराया, अभी पांचवा एमएलए हमारा पृथला में टेकचंद शर्मा जीत करके आया। बताओ कौन सा दलित है, बताओ कौन सा दलित है, बताओ कौन सा शेड्यूल कास्ट है। एक भी एमएलए हरियाणा में शेड्यूल कास्ट का नहीं जीता है। ब्रह्मण जीत गया, सैनी जीत गया, जांगड़ा जीत गया, मुसलमान जीत गया और गुजर जीत गया। पार्टी कहते शेड्यूल कास्ट की है, पार्टी शेड्यूल कास्ट की है, इसलिए हमारी पार्टी भाई ब्राह्मण के लिए भी तैयार है, हमारी पार्टी बढ़िया के लिए भी तैयार है, हमारी पार्टी ठाकुर के लिए भी तैयार है, हमारी पार्टी बैकवर्ड के लिए भी तैयार है, शेड्यूल कास्ट के लिए भी तैयार है, जाट के लिए भी तैयार है, सभी जातियों के लिए, सभी वर्गों के लिए हमारा हाथी तैयार खड़ा है। कोई बैठे ना बैठे उसकी जिम्मेवारी है, हमारा हाथी तैयार खड़ा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, हम सभी धर्मों का बराबर से सम्मान करते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। मैं अपने वर्करों को एक बात कहूंगा, ना हमने नीणकारी के खिलाफ बोलना है, ना किसी राधा स्वामी वाले के खिलाफ बोलना है, ना हमने राम रहीम के किसी वर्कर के किसी शिष्य के खिलाफ बोलना है, हमने किसी मिशन के खिलाफ नहीं बोलना, हमने किसी देवी देवता को गाली नहीं देनी है। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को प्यार करते हैं, तो जो लोग पहाड़ को मानते हैं, वृक्ष को मानते हैं, देवी देवता को मानते हैं, उनकी आस्था हो सकती है। इसलिए धर्म के मामले में नहीं जाना है। हमारे देश में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने पहले क्या काम किया, हमारे इंडिया पे राज किया, राज अपना उन्होंने शासन कायम किया, फिर अपनी अंग्रेजी लागू की और अपना धर्म ईसाई लागू कर दिया, फिर मुगल आए, उससे पहले मुगल आए। साथियों, मैं कहूंगा कि मुगल भी हमारे देश में आए, मुगल आए, उन्होंने राजपाट पे कब्जा किया, फिर अपना धर्म लागू कर दिया, फिर अपनी भाषा लागू कर दी। इसलिए धर्म के मामले में नहीं जाना है, हमने किसी धर्म को कुछ नहीं कहना। कोई ईसाई बने, कोई सिख बने, कोई हिंदू बने, कोई मुसलमान बने, ये उसकी आस्था का प्रश्न है। हमने किसी धर्म पर कोई अटैक नहीं करना, किसी मिशन पर अटैक नहीं करना है। हमारा लक्ष्य एक ही है, हाथी वाला बटन दबा करके देश की प्रधानमंत्री बहन जी को बनाना है, हरियाणा में अपनी सरकार बनानी है। एक बार राजपाट लेकर के आ जाओ, एक बार अपना राज ले आओ, आपका राज आएगा तो साथियों गुंडा जेल में होगा, गुंडे सारे जेल में होंगे। उत्तर प्रदेश में बहन जी का राज आया था, तब वहां के लोगों ने कहा कि बहन जी कहती मैं गुंडों को अंदर करूंगी, कैसे करेगी, कैसे पकड़ेगी। एक थाना है ना बादलगढ़ का, जो बादलगढ़ का थाना है, इस थाने में एक नंबरी का भी फोटो लगा है, 10 नंबरी का भी लगा है, कितने एक नंबरी, कितने 10 नंबरी, सब लगे बादलगढ़ में। बहन जी ने यूपी के थानेदारों को कहा, सारे उत्तर प्रदेश के गुंडे बताओ कितने 24 घंटे में। एक रिपोर्ट आई, 1,48,000, 1,48,000
40,000 गुंडे सब थानों से रिकॉर्ड आ गया। अगले 24 घंटे में माननीय बहन जी ने ऐलान किया सारे गुंडे 1,48,000 गुंडे जेल में बंद, ना कोई दलील ना कोई अपील, सारे गुंडे जेल में बंद कर दिए गए थे। हरियाणा में भी करेंगे, हरियाणा में भी करेंगे, जितने गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं सबको साथियों जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। इसलिए हम हरियाणा प्रदेश में मजबूती के साथ लगना है, गांव गांव में जाना है, अपना संगठन मजबूत करना है, अपने संगठन को गांव गांव में जाकर के हमने मजबूत करना है। हमारी महिलाएं बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, ये बड़ा काम कर सकती हैं।